हेलो गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल के एन अकेडमी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोहो ऑनलाइन टेस्ट का तो बेसिकली मैं जोहो के एग्जाम पैटर्न का एंड सिलेबस का डिस्कशन यहां पे करने वाला हूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जोह का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है तो जो जोहो काफ़ी सारी पोजिशन पर हायर करती है फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड काफ़ी सारी जो की स्टार्ट होते हैं हायरिंग एंड उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइक उसमें बी वी टेक एम सी एम ई एंड एम टेक बेसिकली जो क्राइटेरिया है जो आपका जॉब प्रोफाइल जब स्टार्ट uh, होती है हायरिंग होती है तो जॉब प्रोफाइल में आप इसी क्राइटेरिया को देख सकते हैं लाइक बेसिकली बट यहाँ पे मैं बात करूँ कि uh, जो हो कि सेपरेट हायरिंग भी स्टार्ट होती है फॉर अदर पोजीशंस पे जिसमें आपके नॉन आईटी ब्रांच के स्टूडेंट्स लाइक नॉन इंजीनियरिंग जो कि कंसीडर किए जाते हैं बीएससी एंड बीसीए सो बीएससी एंड बीसीए स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई इन जो हो हायरिंग ओके okay. तो गाइस बेसिकली uh, एक क्राइटेरिया होता है अब हम बात करते हैं ऑनलाइन टेस्ट की कि ऑनलाइन टेस्ट में आपके कितने नंबर ऑफ सेक्शन होते हैं एंड आपको ऑनलाइन टेस्ट के जो सेक्शंस uh, हैं उनके लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है ओके okay. तो गई अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल सेक्शन की तो गई यहाँ पे टोटल हमारे थ्री सेक्शंस होते हैं थ्री सेक्शन जो सबसे पहला आपका सेक्शन है वो है क्वांट्स प्लस लॉजिकल ओके इसमें जो क्वांट्स है लॉजिकल है वो उसमें सेपरेट सेक्शंस नहीं होते हैं एक मिक्सअप ही होता है

एंड थर्ड सेक्शन जो है वो है एडवांस प्रोग्रामिंग एडवांस प्रोग्रामिंग एंड एडवांस प्रोग्रामिंग के में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं फाइव फाइव क्वेश्चन एंड आपको सॉल्व करना होता है यहाँ पे सेवेंटी फाइव मिनट में तो गई ये हो गया हमारा पैटर्न जो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे बताया है कि लाइक like, आपके क्वांट्स प्लस लॉजिकल के नंबर ऑफ क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव एंड नाइन्टी मिनट एंड टेक्निकल में टेन क्वेश्चन टेन मिनट एंड एडवांस प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग ओके यहाँ पे मिसिंग है प्रो जी मिसिंग हो गया स्पेलिंग मिस्टेक है इसको इग्नोर कीजिए एंड प्रोग्रामिंग में आपके फाइव क्वेश्चन सेवेंटी फाइव मिनट ओके okay, तो गाइस अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि आपके 25 फाइव क्वेश्चनस एंड नॉर्मल जो कंपनीज की ऑनलाइन टेस्ट होते हैं उसमें आपका टाइम रहता है 25 फाइव क्वेश्चन एंड ट्वेंटी मिनट लाइक 30 मिनट एक मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है बट यहाँ पे 25 फाइव क्वेश्चन एंड नाइन्टी मिनट इतनी ज़्यादा टाइमिंग तो लाइक आप अपना मत समझिए कि आपका जो टाइमिंग है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है यस yes, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही है क्योंकि यहाँ पर जो क्वाइंट्स एंड लॉजिकल का लेवल है वो यहाँ तो ईजी मी, एज, टू मीडियम ही लेवल है बट जो क्वेश्चन की लेंथ है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है जिससे आपको टाइम लग जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में समझने में तो आपके नाइन्टी मिनट भी उसमें उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं अब हम बात करें कि आपको प्रिपेयर कहाँ से करना है हाउ टू प्रिपेयर फॉर एप्टीट्यूड राउंड ओके हाउ टू प्रिपेयर कई uh, मैं ऑलरेडी चैनल पे काफ़ी सारी वीडियो बना सका हूँ कंपनी रिलेटेड कंपनी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस उसमें मैं सारे टॉपिक्स लाइक कॉन्स के लिए लॉजिकल के लिए वर्बल के लिए टेक्निकल एम के लिए एंड ऑल्सो प्रोग्रामिंग के लिए सारे टॉपिक कवर कर चुका हूँ तो आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की एंड ऑल्सो चैनल पे एक सेपरेट वीडियो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर एप्टीट्यूड राउंड आप उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं जिससे आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि आपको एप्टीट्यूड के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है ओके okay, अब हम मूव करते हैं यहाँ पर टेक्निकल तो जो टेक्निकल है वो आपका है टेक्निकल एम सी क्यू बेस्ड और थियोटिकल बेस्ड तो इसमें आपके किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें आपके सी एस फंडामेंटल्स सी एस फंडामेंटल्स के क्वेश्चन होंगे जिसमें आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी सी प्लस प्लस या फिर जावा एंड सी एन एंड ओ एस एंड डी बी एम एस तो सी एस फंडामेंटल्स के क्वेश्चन आएंगे इससे ही आपसे पूछे जाएंगे लाइक सी प्लस प्लस के आपके सूडो को टाइप्स लाइक आपको फिक्स करना होगा ऑटोमेटा फिक्स टाइप एरर एयरबेस आउटपुट बेस्ड एंड जावा के एरर एयरबेस आउटपुट बेस्ड एंड कंप्यूटर नेटवर्क के थ्योरेटिकल क्वेश्चन एंड एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के भी आपके थियोटिकल क्वेश्चन एंड डी बी एम एस डी बी एम एस से आपके रिलेशनल रिलेशनलिटा बेस के क्वेश्चन एंड कीज के क्वेश्चन ज्वाइंस के क्वेश्चन एंड ऑल्सो एस क्यू एल की क्वेरीज टाइप क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन वहां पे बन सकते हैं टेक्निकल एमसीक्यू में तो 60 मिनट में 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है क्योंकि यहाँ पे लेंदी लेंदी क्वेश्चन भी बनेंगे कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी हो सकते हैं आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अब हम बात करते हैं यहाँ पे एडवांस प्रोग्रामिंग सेक्शन की गाइज एडवांस प्रोग्रामिंग सेक्शन में आपको क्या करना है एडवांस इसका आप देख रहे होंगे कि एडवांस प्रोग्रामिंग है तो हमें एडवांस प्रोग्रामिंग करके जाना है बेसिकली जो इसका प्रोग्रामिंग का लेवल होता है नॉर्मल होता है मीडियम लेवल होता है तो आपको इसके लिए प्रिपेयर करना है डी एस एंड डी एस में आपको मेजरली जो टॉपिक्स हैं वो है एरे स्ट्रिंग्स एरे स्ट्रिंग्स एंड स्टैक एंड लिंकलेस जो कि नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर्स बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स वो आपको प्रिपेयर करना है एंड गाइस अगर आप बिगनर हैं तो आपको पता नहीं है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स एंड आपको इनिशियल लेवल से स्टार्ट करना है अपना डी एंड आपको पता नहीं है कि हमें कहाँ से प्रिपेयर करना चाहिए तो चैनल पे एक सेपरेट प्लेलिस्ट स्टार्ट हुई है डी एस ए रिसोर्सेज तो गाइस आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं जिसमें आपको पता लग जाएगा कि आपको एरे कहाँ से पढ़ना है एरे की बेस्ट रिसोर्सेज कौन सी है एंड हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं एंड किस टाइप से हमें एरे पढ़ना है एंड फॉर सेम स्ट्रेंग स्टैक क्यू लिंक डायनामिक प्रोग्रामिंग ऑल दीज डेटा स्ट्रक्चर्स वी हैव कवर्ड ओके सो गाइस आप उसको फॉलो कर सकते हैं फॉर एडवांस प्रोग्रामिंग राउंड के लिए लाइक डी एस सी प्ले लिस्ट डी एस सी रिसोर्सेज प्ले लिस्ट उसकी लिंक मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है एंड आप चैनल पर भी चेक कर सकते हैं एक बार तो गाइस यहाँ पे मैं जोहू का ऑनलाइन टेस्ट के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नंबर ऑफ सेक्शंस पैटर्न क्या होता है किस तरीके से पढ़ना चाहिए हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है ओके okay. सो so, आगे के वीडियोज़ में हम इसी तरीके से कंपनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी सो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल थैंक यू गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग